हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसटीसी फॉर यू। तो आज हम फिर लाए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम आपको लाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है हमें। इफ टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3 एंड टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3, वेयर, वहां पे क्या होना चाहिए ए प्लस बी, वहां हमारे पास जो ए प्लस बी है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, लेस देन 90, मतलब 90 से तो छोटी आनी चाहिए और 0 से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, और हमारे पास जो ये क्वेश्चन हमें गिवन है तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जिस जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। तो फर्स्टली हमें गिवन है टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू, में हमें गिवन है टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू में रूट 3, तो हमारे पास हो जाएगा टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेन के अंदर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं बच्चों कि टेन ये एज इट इज चलेगा और रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे टेन 60। ओके, रूट 3 की जगह हम लिख देंगे टेन 60, क्योंकि रूट 3 होती है 10 में 60 की वैल्यू। ओके, नाउ इससे इसको काट सकते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और फिर हमें क्या बोला है, हमें बोला है टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। तो नाउ टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू में 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो हमें ये गिवन था। अब देखिए 1 अपॉन रूट 3, 10 में किसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, तो 10 में 1 अपॉन रूट 3 होती है 30 की वैल्यू। तो हम यहां लिख सकते हैं टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू में टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हमने टेन 30 लिख दिया है। नाउ सेम कंडीशन, 10 से 10 को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास बचेगा ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो देखिए अब हमारे पास दो इक्वेशन है, वहां से हम लेके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को लेके चलते हैं। तो देखिए ये अपोजिट साइन में कट जाएंगे और ए कितना हो जाएगा 2a, और 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस करने पे आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 अपॉन 2, इट मींस 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ओके, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम, या तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं या नीचे वाली में रख देते हैं, जिसमें भी रखेंगे उससे हमें b की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दिया। तो इक्वेशन 1 अपने पास थी a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a की जगह हम रख देंगे 45 डिग्री, प्लस b इक्वल्स में चल रहा है 60 डिग्री। नाउ b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, ये 60 एज इट इज रहेगा, 45 उधर ट्रांसफर होगा, तो साइन हो जाएगा माइनस का। अब दोनों को माइनस करने पे क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ए हमारे पास हो जाता है 45 डिग्री और बी हमारे पास हो जाता है 15 डिग्री। तो हमने क्वेश्चन में देखिए, हमें गिवन था क्वेश्चन में ए प्लस बी 90 नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, तो हमारे पास आंसर ऐसा ही आया जो 90 से छोटा है और मोर देन 0 है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। और इसमें हमें क्या बोला है, ए की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए बी की वैल्यू से। तो हमारे पास देखिए ए की वैल्यू बड़ी ही आई है, ए की वैल्यू हमारे पास 45 आई है और बी की वैल्यू हमारे पास 15 आई है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।